जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ अपने सीन पेन की प्रॉब्लम। चाहे आपका जो 10 दिन से प्रॉब्लम कर रहा है, 5 दिन से कर रहा है, या जो आपका 1 महीने से प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको जो सीन पेन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि आप फ्यूचर में ये चीज़ें करोगे तो आपकी 100% 15 दिन क्या 5 दिन में ये सीन पेन की प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। यदि देखो जो पूरी जानकारी बताऊंगा और ये 5 टिप्स जो आपको काम करते हो और फॉलो करते हो, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 5 दिन के अंदर अंदर अपना जो सीन पेन की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, 100% सर्टिफाई हो जाएगा इस सीन पेन की प्रॉब्लम के बारे में। तो सो गाइस, बहुत से दोस्त जो पूछते हैं कि एक्चुअल में सीन पेन होता क्यों है, तो अपनी जो मसाज होती है, जो मसल होती हैं, जो अपने रनिंग करते हैं उस वक्त जो ये ज़्यादा दर्द करती है, रनिंग करते के वक्त जो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और ये मसाज दो तरह की होती है, एक तो जो एक मसल होती है और दूसरी जो अपनी हड्डी में प्रॉब्लम होती है। तो हड्डी की जो सीन पेन होता है बहुत ज़्यादा दर्द करता है, दूसरी चीज़ मसल वाला होता है वो जो जल्दी रिकवर नहीं होता। यदि आपका ज़्यादा रनिंग किया है या ज़्यादा आपने ऊँची जो रनिंग की है, जो पहाड़ वाली है या वो सीढ़ी दर जो रनिंग होती हैं वो आपने ज़्यादा की है, तो आपकी मांस शायद अंदर से ब्रेक हो सकता है। तो ये भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आप जो इसमें ब्रेक हो गया है, बाय चांस एक दोस्त का हुआ था, मैंने उसको एक टिप्स दी, उसके थ्रू भी वो जो कंप्लीट हो गया था उसका जो रिकवर हो गया है ना, तो वो भी जो एक सही है, तो वो भी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। आपका जो मांस ब्रेक हो गया है जिसके कारण भी हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हो, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके साथ आपको सीन पेन की जो प्रॉब्लम, आपके जो बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो, शूट करते हो, जब अपना स्प्रिंट मारते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द करता होगा, तो ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सीन पेन की प्रॉब्लम जड़ से कैसे खत्म करना है, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखो, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको बता दूँ सीन पेन एक्चुअल में होता क्यों है। फर्स्ट चीज़ यही होती है कि अपने दिमाग में जो आइडिया चलता है सीन पेन एक्चुअल में होता क्यों है, ये चीज़ बताने वाला हूँ। मुझे अब तक 7 साल 8 साल हो गए हैं जो आपको डिफेंस लाइन में, और जो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ों के बारे में, डिफेंस का ओनर के साथ आपको जो ट्रेनिंग भी करवाता हूँ, हर इस चीज़ की जो अपने आर्मी से रिलेटेड होगी, जो आपके SSC हैं या जो फिजिकल से जो भी है जो तैयारी होती है उन सभी की जो तैयारी मैं करवाता हूँ। जो बंदे डिफेंस आना चाहते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छी फैसिलिटी, बहुत अच्छी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप आ सकते हो डिफेंस, है ना। तो जो गाइज आज बताने वाला हूँ आप इसमें जो सीन पेन प्रॉब्लम एक्चुअल में होती क्यों है। हम जब हम जो रनिंग करते हैं, जब रनिंग है जो अपने सीढ़ी दर कर रहे हो या जो अपनी ऊँची करते हो, तब आपके जो पैर सही से नहीं पड़ता है, ये सही से आपके जूते नहीं होते हैं, तो उसके कारण भी सीन पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड चीज़, आपके जूते सही नहीं होने के कारण उनका एक ग्रिप नहीं बन पाता है, और एक सही से जो उनका जो एक जंप मारते हैं जूते, एक चीज़ आप रबड़ वाले जो सॉल वाले होते हैं जो जूते जो आपको जंप मारेंगे, और उसके साथ आपका जंप वाला नहीं होगा तो आपके सीन पेन की प्रॉब्लम आएगी। सेकंड चीज़, यदि आप जो रोड रनिंग कर रहे हो तो आपको जो सीन पेन की प्रॉब्लम 100% आने वाली है, ये भी चीज़ है, क्योंकि आप सीन पेन जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो रोड करते हैं, रोड पर रनिंग या जो आपके जूते सही नहीं होने के कारण भी आपके सीन पेन की प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ है। और दूसरी जो है, तो आप जो ज़्यादा हद से ज़्यादा रनिंग कर देते हो, जैसे आपके जो स्प्रिंट मार ले आप पर डे, आप मान लीजिए 10-15 स्प्रिंट मार रहे हो और आप 25 या 30 के बाद से जो पहुँच जाते हो स्प्रिंट मारने के बारे में, इससे जो 25-30 करने लग जाते हो, तो ये आपकी गलत है, और इसी आप स्प्रिंट मारते हो ये गलत है और इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये आपको नहीं करना, ठीक है। और इसका इलाज भी बताऊंगा कि जब आपको कैसे इसको दूर करना है, तो वो भी इसमें बाद में बताऊंगा। पहले ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपको जब तक जो इसके इस बारे में आपको कंफर्म नहीं हो पाएगा कि जो कैसे होता है एक्चुअल में, वो जब तक नहीं जानोगे जब तक इसका सीन पेन की प्रॉब्लम आप दूर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ें जो आप कर रहे हो तो जो शायद आपकी प्रॉब्लम आ रही होगी, और इसमें आपको स्प्रिंट मारने में जब शूट मारते हो तब ज़्यादा दर्द करता होगा, लॉन्ग रनिंग करते हो तब भी बहुत ज़्यादा दर्द करता होगा, 1600 मीटर की रनिंग में लास्ट राउंड या फर्स्ट राउंड में जब आप दौड़ते होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द करता होगा। सीन पेन की प्रॉब्लम यही होती है। यदि आपके जो अंदर देखो मसाज में प्रॉब्लम है या जो आपके मसल में प्रॉब्लम है, तो ये सीन पेन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और यदि आपके ज़्यादा हड्डी में प्रॉब्लम है, तो एक चीज़ है, एक फर्स्ट चीज़ या 5 दिन ट्राई करना, और उसके बाद जो एक्चुअल में थोड़ा सा भी आपको डिफरेंट नहीं देखने को मिले या कोई चेंजेस नहीं मिले, तो आप जो डॉक्टर से राय ले लेना, क्योंकि जो हो सकता है आपके हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो या जो कुछ दिक्कत आ सकती है। बाकी मैं आपको हड्डी के बारे में भी बताऊंगा कि आपको ये जो दिक्कत होती है वो एक्चुअल में होती क्या है। तो मैंने जो आपके कैल्शियम की कमी हो सकती है, तो कैल्शियम की जो आपको गोली खाते रहना है, उसकी गोलियाँ भी आती है बहुत सारी की, जो कैप्रिसल की जो होती हैं जो कैल्शियम आपको बढ़ाने के काम करती है, तो कैल्शियम वाली गोलियाँ भी बहुत सारा हैं, तो आप जो देख लेना हो या डॉक्टर से राय लेके आप कौन सी कैल्शियम की लेनी है तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़, जो अपने मसाज की जो मसल के अंदर के होते सीन पेन की प्रॉब्लम होती हैं, तो उसको कैसे कवर करना है, तो ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो कहते हैं जो हड्डी का दर्द होता है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होता है, उसमें आपको कैल्शियम की गोलियाँ खानी होती है, जिससे जो अच्छे से कवर हो जाए, जो आपकी कैल्शियम अंदर से जो स्ट्रांग होगा और आपकी हड्डी मजबूत होगी, तब ये सीन पेन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
ठीक है, ये चीज़ें। और बाकी आप जो इसमें आपको मसाज करना पर डे, जो आपका सरसों का तेल ले लो और उसमें जो एक लहसुन, जो थोड़े बहुत लहसुन का पेस्ट बना के उसमें डाल दो और ऐसे मसाज करो अच्छे से, जो उसको थोड़ा गर्म करके, जो नॉर्मल सा गर्म होता है उसको करके अच्छे से मसाज करो, कम से कम 5 दिन कंटिन्यू करना, जिससे आपके अच्छे से हो जाए। इसके साथ आपको आइस, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, उसको कपड़े में लपेट के अच्छे से बांध के फिर उससे जो मसाज करो, जो अपने जो पैर होता है उसको मसाज करो अच्छे से, जो उसको रफली करो, जो आपकी ये सीन पेन की प्रॉब्लम अच्छे से कवर हो जाएगी। इसके बाद जो आप सोते वक्त या जो आप नाइट टाइम सो रहे हो उस वक्त आपको क्या करना है कि आपको गर्म पट्टा होता है, एक मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल होगा, लगभग सभी दोस्तों को पता होगा इसके बारे में, गर्म पट्टा होता है, लगभग 50-100 रुपये के समथिंग आपको मिल जाएगा। तो उसको बांधना है, जो आपके पैरों को पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद तो उसको बांध के सो जाना है, जिससे भी इसका अच्छा सा ग्रिप बनेगा, अच्छा सा आपको ये कवर हो जाएगी, जो आपकी मांस की प्रॉब्लम होगी, जो अपना मांस क्रेक होता है, जो अपना मांस अंदर से क्रेक हो जाता है भाई, कहाँ पे भी है, जो आप रनिंग कर रहे हो भाई, या आपका जो पैर स्लिप हो गया बाई चांस, तो या कैसी ऐसी जगह हम रनिंग करते हैं जहाँ पे जो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो अंदर का मसल, जो आपका मांस होता है वो क्रेक होने की। तो ऐसे बंदों के जो एक दो हुए हैं, ऐसे बंदों के साथ हुआ है, तो यार उनके लिए तो गाइस मैंने आपको बताया है, वो अच्छे से जो उसका मसल जो चिपक गया और अच्छे से जो जॉइंट हो गया वो करेक्ट हो गया है ना, अभी वो सही चल रहा है, सही रनिंग कर रहा है, अच्छे से उसका रनिंग हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप गर्म पट्टा यूज़ करना पर डे, तो आपको जो ये मसल के जो अंदर से ब्रेक हो गया होगा, टूट गया होगा, या जो थोड़ा सा भी गैप बना होगा, तो वो सही हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। तो आप 3-4 चीज़ें हैं वो अच्छे से यूज़ करो। बाकी जो लास्ट कर एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, रनिंग कम से कम करना, और हो सके तो 5-6 दिन आप कम रनिंग करना, या जो रोक देना रनिंग, बंद कर देना, जिससे जो आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं चाहता हूँ कि यार 5 दिन के अंदर ये रिकवर हो जाए आपका प्रॉब्लम, और आप अच्छे से स्प्रिंट मारो और आप रनिंग की तैयारी कर सको। तो ये चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको जानकारी बता दी है। आप लंबी रनिंग बहुत कम करना, जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है आपकी, तो इन चीज़ों से ध्यान रखना कि लंबी रनिंग बहुत कम करनी है, जूते अच्छे से लेने, और इसके साथ रोड रनिंग बहुत कम करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है ना, ये चीज़ें हैं। बाकी आप जो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी रनिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रनिंग करो। बाकी जो ये चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं करनी है, जो गलती बार बार बंदे करते हैं, इसी कारण आपके सीन पेन की प्रॉब्लम वापस दोबारा आ जाती है। कई कई बंदों के ऐसे बंदे आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि मेरे जो 1 महीने से ज़्यादा बंदों का जो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या करें। तो यार यही प्रॉब्लम होती है, आप लंबी रनिंग नहीं करनी है, जिससे आपकी कोई दिक्कत ना आए। कम से कम रनिंग करनी है, जो आपकी 1600 मीटर हो या 2 किलोमीटर बहुत हो गई, तो आप जो कर सकते हो, और कोशिश यही करो कि स्प्रिंट मारने की कोशिश करो, जिससे आपकी रनिंग अच्छे से कवर हो जाए। ये चीज़ें हैं, बाकी जो आज की इस वीडियो में यही जानकारी मिली थी, ये कि सीन पेन की प्रॉब्लम कैसे होती है और आपको इसको कैसे जड़ से ख़त्म करना है। तो 5 दिन ट्राई करके देखो, 100% ये जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये 5 चीज़ें ट्राई करना है, ठीक है।